हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम राहुल है और आज हम पढ़ने वाले एओए। तो एओए में आज हम देखने वाले हैं ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। तो ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है वो देखने से पहले अपन देखते हैं बाइनरी ट्री क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी ट्री अभी समझो अपने पास तीन वर्टेक्स है, 5, 10 और 15। ठीक है, ये कीज है, तो इनसे अपने को ट्री बनाना है। तो बाइनरी ट्री क्या बोलता है कि उस अगर कोई भी वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो उसके लेफ्ट तरफ में उससे छोटी चीजें होनी चाहिए, उससे छोटा वैल्यू होना चाहिए, और उसके राइट में उससे बड़ा वैल्यू होना चाहिए। सिर्फ ये एक रूल है बाइनरी ट्री का। तो जैसे कि अभी अपन ने समझो 5 को वर्टेक्स सिलेक्ट किया, ठीक है, स्टार्टिंग रूट अपना नोड सिलेक्ट किया, तो उसके राइट में सब उससे बड़ी चीजें और लेफ्ट में सब उससे छोटी। तो अभी 10 और 15 बचा, तो वो दोनों उससे बड़ा है। ठीक है, अगर मैं 10 को सिलेक्ट कर रहा हूं देखो इसमें, तो 10 से बड़ी चीज है इसके राइट में, यानी कि ये राइट है। ठीक है, अब इन तीनों को प्लेस करने का एक और वे हो सकता है कि 5 को मैंने सिलेक्ट किया, अब उससे बड़ा है 15, मैंने उसको राइट में रख दिया। अब क्या 10 बचा है, पर 10 5 से बड़ा है इसलिए वो राइट में है, बट 15 से छोटा है इसलिए 15 के लेफ्ट में है वो। ठीक है, और एक और क्या वे हो सकता है कि अपन ने 10 को सिलेक्ट कर लिया रूट के लिए, अब 5 छोटा है तो वो लेफ्ट में आ जाएगा और 15 बड़ा है तो वो राइट में आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अपन ने 15 सिलेक्ट किया तो दो और पॉसिबल चीजें वो भी लिखी हुई है सिमिलरली, इसकी तरह वो भी आएगा। तो अभी इसमें क्या है कि समझो मेरे को कोई वैल्यू दी है, समझो मेरे को दिया है 5। ठीक है, और अगर मेरे को 5 सर्च करना है, तो अगर समझो ये वाला ट्री है अपने पास, तो अगर मेरे को 5 सर्च करना है तो मैं क्या करूंगा, इससे कंपेयर करूंगा उस वैल्यू को स्टार्टिंग नोड से। 5 10 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है यानी कि वो इसके लेफ्ट में ही लाई करेगा, तो अपन सीधा लेफ्ट में लुक करेंगे, राइट वाला देखेंगे ही नहीं। फिर राइट को चेक करूंगा वो 5 है क्या, हाँ है, तो अपने को मिल गया जो चाहिए था। तो इसीलिए ये हेल्पफुल है क्योंकि ये इसमें आप इजीली कंपेयर कर करके ढूंढ सकते हो वैल्यू कहाँ पे। बट इसमें भी एक चीज है, इसमें भी ऑप्टिमल, इनमें से ऑप्टिमल कौन सा है वो अपने को निकालना है। तो अभी इसमें क्या है, अगर मेरे को 5 ये वाला ट्री लेते हैं पहले, अगर मेरे को 5 ढूंढना है तो मेरे को कितना ये कंपैरिजन करना पड़ेगा, एक कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं आऊंगा 5 से कंपेयर करूंगा मिल जाएगा मेरे को। अगर मेरे को 10 ढूंढना है तो पहले 5 से कंपेयर करूंगा फिर 10 से करूंगा, यानी दो कंपैरिजन लगेगा। अगर 15 ढूंढना है तो 1, 2 और 3 इन दोनों को भी कंपेयर करने का पड़ेगा, फिर यहां पे आऊंगा मैं फिर कंपेयर करूंगा तो 3 कंपैरिजन लगेगा। सिमिलरली यहां पे आते हैं, अगर 5 को ढूंढना है तो एक कंपैरिजन लगेगा, 15 ढूंढना है तो 2 लगेगा, 10 ढूंढना है तो 3 लगेगा। इसमें आता हूं, अगर मेरे को 10 ढूंढना है एक कंपैरिजन लगेगा, 5 ढूंढना है अगर तो दो कंपैरिजन लगेगा ना, मैं 10 देखूंगा और फिर देखूंगा अगर 5 चाहिए तो उससे छोटा यानी कि लेफ्ट में देखेंगे, फिर सेकंड कंपैरिजन इससे करूंगा मेरे को 5 मिल जाएगा तो 2 लगेगा। अगर मेरे को 15 ढूंढना है तो भी मेरे को 2 लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर मेरे को 15 वैल्यू मिलेगा मैं आऊंगा 10 से कंपेयर करूंगा, एक कंपैरिजन देखूंगा कि 10 से तो बड़ा है 15 यानी कि राइट में होगा, तो मैं राइट में जाऊंगा इससे कंपेयर करूंगा 15 मिल जाएगा कंपैरिजन के बाद, यानी कि 2 कंपैरिजन लगेगा। यहां पे आऊंगा इसमें इस ट्री में क्या क्या लगेगा, 15 ढूंढने के लिए एक कंपैरिजन, 5 ढूंढने के लिए 2 और 10 ढूंढने के लिए 3। सिमिलरली यहां पे भी 1, 2 और 3। तो इसमें से ये जो है वो बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस्ड बोलते हैं क्योंकि देखो वही चीज है बट उनको अगर अलग वे में पुट किया, अगर अपने को 10 अगर अपन रूट नोड सिलेक्ट कर दे तो अपना काम कम में हो जाएगा कि अपने को दो कंपैरिजन में ही सारी वैल्यूज अपन एक्सेस कर सकते हैं मैक्सिमम दो कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। तो अभी ऑप्टिमल बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिमल क्या होगा कि अभी है ना हर चीज का अकरेंस का फ्रीक्वेंसी भी होगा ना कि कितनी बार अकर किया है, या फिर आप बोल सकते हो कॉस्ट, ठीक है, उसका कॉस्ट क्या है। तो समझो अपन ने डिसाइड किया है यहां पे ये फ्रीक्वेंसी है या फिर आप बोल सकते हो कॉस्ट है कि 5 पे जाने का 2 है, 10 पे जाने का 1 और 15 पे जाने का 3 है। अब जरा देखते हैं, अब मैं 5 पे आया मेरे को कॉस्ट कितना लगेगा, इंटू 2 1 है ना, इंटू 2 2 डिफरेंस है, सॉरी 1 डिफरेंस है और वैल्यू 2 है। अगर यहां पे आऊंगा 10 पे तो 2 डिफरेंस है और वैल्यू क्या 1, तो इंटू 1 करेंगे। 3 पे आऊंगा कितने डिफरेंस है, 3 है, यहां पे 3 आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2, 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा अपना, हो जाएगा 13 ये, ठीक है, ये 4 और ये 9, 13 इसका वैल्यू 13 आ रहा है इस ट्री का। अपन यहां पे भी देखेंगे 5 के लिए क्या है फ्रीक्वेंसी, 2 है,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 के लिए क्या है फ्रीक्वेंसी 3 है, इसको 3 से करेंगे, और 10 के लिए है अपना 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते, 3 टू 6, 6 7 8 9 10 11, तो इसका 11 आएगा वैल्यू, ठीक है। इसको देखते इसमें क्या है, इसको 2 से कम नहीं, हाँ 10 के लिए क्या 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को करेंगे 2 क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 है, और इसको 3 से करेंगे तो 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, तो 11 आ रहा है। अब इसको देखते इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, पहले 15 है यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 2 से, इसको करेंगे 1 से, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 वन ज़ा 3, 2 टू ज़ा 4, 7 हो गया, 7 और 3 10, इसका 10 आ रहा है वैल्यू। अब इसका देखते हैं फ्रीक्वेंसी 15 का क्या है, 3 है, 2 का है 1, मतलब 10 का सॉरी, और 5 का है 2, 3 प्लस 2 5, 5 और 6 11। तो अभी जैसा कि अपन देख सकते हैं, जब अपन ने बैलेंस ट्री निकाला तो अपने को ये बैलेंस ट्री मिला, ठीक है, अपने हिसाब से ये सबसे बेस्ट था, ये सबसे परफेक्ट था। बट अगर अपन कॉस्ट वाइज देखे या फिर फ्रीक्वेंसी वाइज देखे तो इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी लग रहा है, टोटल कॉस्ट इसमें सबसे कम है। तो जब अपन फ्रीक्वेंसी को कंसिडरेशन में रख के अपन जब फाइंड करते हैं तो जो अपने को मिलता है वो होता है अपना ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो इस केस में अगर तीन चीजें हो, तीन पॉइंट हो, यानी अगर ऐसा दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल के लिए अपना ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री है ये वाला, ठीक है। तो चलो इसका आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो वह अभी अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने पास कीज दिए हुए हैं, उनका फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसका ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, यानी कि अगर इन चारों वर्टेक्स को कैसे प्लेस करेंगे किस वे में, तो अपने को ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया। तो वो बनाना है, तो उसके लिए अपने को क्या पता है, ये एक टेबल है सिंपल सा, इसको भरना है। कैसे कर भरेंगे इसको, अपने पास एक फॉर्मूला है। अब जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जैसे मैंने वो सॉल्व करने का जो मेरा मेथड था उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, यानी ब्रूट फोर्स भी बोल सकते हैं आप उसको, तो वैसे सॉल्व किया अपन ने। बट अपना मेन काम यही है कि ऑप्टिमाइज करना, चीजों को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपन। ब्रूट फोर्स में अगर ज्यादा लंबा ट्री होगा तो फिर उसको बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो बहुत कैलकुलेशंस लगेंगे। बट ये अपना क्या, एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा, कुछ नहीं समझ रहा होगा, बट मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे यूज करना है। बट पहले अपन क्या करते, इसका वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं। अपने को ये मैट्रिक्स जो है ये भरना है, क्यों भरना है वो भी समझेगा, ये अपने को हेल्प करेगा ट्री बनाने में, ठीक है। तो अभी सिंपल लॉजिक है, किसी भी नोड का खुद तक कॉस्ट क्या होता है, जीरो से जीरो का ऑब्वियसली जीरो होगा, खुद से खुद का कॉस्ट क्या होगा, जीरो ही होगा ना। वन से वन का जीरो होगा, टू से टू का जीरो होगा, थ्री से थ्री का, और फोर से फोर का। तो डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू अपने को पता है वो है जीरो, सबका जीरो आने वाला है, ठीक है। अब क्या है, अपने को कॉस्ट फाइंड करना है हर नोड का, तो अपन ये फॉर्मूला यूज करके करने वाले। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट फाइंड करना है किस नोड का, अपने को 0,1 का फाइंड करना है, इसका करना है, ठीक है। पहले तो कॉस्ट ऑफ, जैसा फॉर्मूला में दिया है 0,1, ठीक है, फॉर्मूला यूज करके अपन करते हैं इसको सॉल्व। मिनिमम ऑफ समथिंग समथिंग, ठीक है, प्लस वेट ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई क्या है इस केस में 0,1, ठीक है। अब यहां पे आते कॉस्ट ऑफ, यहां पे क्या लिखा है, एक्स लिखा है, एक्स यानी कि यहां पे इस केस में अपना एक्स क्या है, ये वन और जीरो और वन, तो एक्स क्या अपना 0,something प्लस यहां पे है कॉस्ट ऑफ समथिंग कॉमा वाई, वाई क्या है इस केस में 1 है अपना, ठीक है। तो ये प्लस है और ये कॉस्ट, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में अपने को ये जो दो ब्लैंक वैल्यूज है ये कैसे भरनी है, मैं आपको बताता हूँ। तो अब क्या होगा ना, जैसे कि अपन क्या एक ट्री बना रहे, ठीक है, ट्री बनाने है, मतलब नोड्स को एडजस्ट करना है अपने को, कौन से ऑप्टिमल वे में अपन कर सकते हैं। तो जब समझो दो नोड है, उनका डिसाइड करना है, जैसे ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो इनको प्लेस करने का तरीका है बहुत सारा है, जैसे कि या तो अभी मैंने क्या बोला था, बड़ी चीज़ राइट में होनी चाहिए, तो 1 राइट में है 2 के, यानी कि ये अपना बाइनरी ट्री है। या फिर मैं इसको ऐसे भी प्लेस कर सकता हूँ, 1 इस तरफ रख दूंगा, 2 अगर रूट नोड है तो 1 छोटा है यानी लेफ्ट में रहेगा। तो मैं इसको ऐसे भी पुट कर सकता हूँ, ऐसे भी पुट कर सकता हूँ, बरोबर। तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं, रूट नोड सिलेक्ट कर रहे हैं ना, कि इसमें मैंने 1 रूट नोड सिलेक्ट किया, इसमें 2 रूट नोड सिलेक्ट किया।
तो वो चीज है। तो यहाँ पे है ना अपने को रूट नोड का गेम होने वाला है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी मालूम है, जो अपन रूट नोड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इस केस में आप देखोगे अपने पास चार वर्टेक्स है, ठीक है, तो अपन इसमें और है ना जीरो एक वैल्यू आपको दिख रही होगी कि पता नहीं वो क्यों ली है। तो वो क्या है पता है क्या, वो अपन सिर्फ कैलकुलेशन के लिए उसको कंसिडरेशन में ले रहे हैं, बट जीरो का मतलब कुछ है ही नहीं इसमें रोल, बट अपन उसको कैलकुलेशन पर्पज के लिए ले रहे हैं, बट जीरो नोड है ही नहीं। तो अपने को यहाँ से रेंज क्या दिया, 0 to 1। तो यहाँ पे नोड तो सिर्फ एक ही है, वन वर्टेक्स एक ही है ना, देखो वर्टेक्स कौन सा है, 1 2 3 4, तो एक ही वर्टेक्स है अपने पास, तो जीरो का तो कोई काम ही नहीं है। तो इसमें मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई और वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए, तो इसलिए मैं सिलेक्ट करूंगा वर्टेक्स वन, और जो भी वर्टेक्स सिलेक्ट होगा वो राइट साइड में लिखेंगे अपन। ये जो राइट वाला कॉलम है इसमें अपन वर्टेक्स जो सिलेक्ट हुआ है रूट वर्टेक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं RV, रूट वर्टेक्स जो है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी पता है क्या, रूट वर्टेक्स के पहले वाला जस्ट वैल्यू, कि अगर मेरा रूट वर्टेक्स 3 है तो उसके पहले वैल्यू कौन सा है, 2, तो वो वाला वर्टेक्स यहाँ पे आएगा। बट यहाँ पे अपना रूट वर्टेक्स क्या, 1, तो 1 के पहले क्या है, 0 है ना, कुछ नहीं है मतलब 0 है, वो अज्यूम करेंगे अपन, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने खुद ऐसे जनरलाइज करके, मतलब वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने ट्रिक बताया है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दे, कॉस्ट ऑफ 0,0 क्या है, कॉस्ट ऑफ 0,0 इसमें देखते हैं 0 से 0 का क्या है, 0 है, ठीक है, प्लस 1,1 का कॉस्ट क्या है, मैट्रिक्स में ही देखना है, 1,1 का कॉस्ट क्या है, 0, प्लस यहाँ पे दिया वेट ऑफ 0,1। अब ये क्या है, ये है अपना जो ऑलरेडी अपने को प्रेजेंट है वैल्यू, वेट मतलब क्या है, कॉस्ट या फिर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो 0 से 1 का फ्रीक्वेंसी क्या, अब 0 तो है नहीं, 0 to 1 का अपन फ्रीक्वेंसी लेंगे, ये 1, उसमें कौन से वर्टेक्स आ रहे हैं वो देखने का, उस रेंज में कौन से वर्टेक्स आ रहे हैं, सिर्फ 1 आ रहा है ना, तो 1 का सिर्फ फ्रीक्वेंसी लेंगे। अगर दो अगर रेंज रहता 0 to 2, तो अपन 1 और 2 का दोनों का फ्रीक्वेंसी ऐड करते और वो होता वेट 0,2 का, बट अपने को 0,1 का वेट बोला है, तो वो होगा इस केस में 3, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इनको ऐड करेंगे अपने को वैल्यू मिलेगा 3, तो कॉस्ट होगा 0 to 1 का कॉस्ट होगा 3, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 3, ठीक है, एक और वैल्यू मिल गई अपने को। अब सिमिलरली अपन कॉस्ट निकालेंगे इसका 1,1 नहीं 1,2, सॉरी माय बैड, 1,2 का कॉस्ट निकालना है, तो इसमें भी सेम होगा। अब ये मिनिमम वाला फैक्टर फिलहाल नहीं आ रहा है कंसिडरेशन में, ये कब आएगा उनमें, जब मैंने बोला था ना जब ज्यादा नोड हो गए, एक नोड में ही कर रहे तो अपने पास कोई चीज ही नहीं है जिससे अपन कंपेयर कर सके, तो एक ही नोड है इसलिए वो मिनिमम वाला फैक्टर फिलहाल नहीं आ रहा है इस केस में, बट वो समझेगा आपको आगे क्या होता है। तो अभी अपन कॉस्ट सिमिलरली इन सब के लिए भी निकाल लेते हैं, 1,2 के लिए, 2,3 के लिए और 3,4 के लिए।